नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 136 योजनाओं का किया शिलान्यास। जल जीवन हरियाली अभियान को सफल बनाने के लिए आम लोगों से की अपील। शाहकुंड के भुनली पंचायत में मुख्यमंत्री ने जागरूकता सम्मेलन को किया संबोधित। सरकार की गिनाई उपलब्धि, मानव श्रृंखला को सफल बनाने का दिलाया संकल्प। मेयर और जिला परिषद अध्यक्ष को मंच पर जाने से सीएम सुरक्षा में लगे जवानों ने रोका, जमकर हुई नोकझोंक। मुख्यमंत्री के आगमन पर जिले भर में सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम। शहर से लेकर सभास्थल तक पुलिस जवान थे तैनात। और नाथनगर में पुलिसकर्मी के घर हुई भीषण चोरी, लाखों की संपत्ति लेकर चोर फरार, जांच में जुटी पुलिस। अब समाचार विस्तार से। जल जीवन हरियाली अभियान को लेकर गुरुवार को सूबे के मुखिया नीतीश कुमार शाहकुंड प्रखंड के भुलनी पंचायत पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने 136 योजनाओं का शिलान्यास एवं 50 योजनाओं का उद्घाटन रिमोट दबाकर किया। इसके पूर्व मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर पंचायत सभा भवन के समीप बने हेलीपैड पर उतरा, जहां से अधिकारी मुख्यमंत्री को लेकर सीधे पंचायत सरकार भवन पहुंचे। इसके बाद मुख्यमंत्री शाहकुंड प्रखंड के पंचायत में बने तालाब, कुएं, सोबता और भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री सीधे मंच पर पहुंचे, जहां डीएम प्रणब कुमार ने पौधा देकर उनका स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत जागरूकता सम्मेलन को संबोधित किया। वहीं सभा स्थल के इर्द गिर्द हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ नीतीश कुमार को सुनने के लिए जुटी रही। बीच बीच में मुख्यमंत्री की बातों और घोषणाओं से खुश होकर लोग नीतीश कुमार के पक्ष में नारेबाजी भी करते नजर आए। जागरूकता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान को सफल बनाने के लिए आम लोगों से सहयोग की अपील की। साथ ही न्याय के साथ सभी के उत्थान की बात कही और अभियान का उद्देश्य बताया। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने 136 योजनाओं का शिलान्यास किया और 50 योजनाओं का उद्घाटन किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने 19 तारीख को जो मानव श्रृंखला बनने वाली है, उसमें आम लोगों से ज़्यादा संख्या में जुटने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं की घोषणा की और बिहार के लोगों को, भागलपुर वासियों को कई सौगात दिए अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ। वहीं जल जीवन हरियाली यात्रा को लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बांका पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने चांदन जलाशय योजना के अंतर्गत डैम के सुरक्षात्मक कार्य, बियर एवं अन्य संरचनाओं तथा विवरण प्रणालियों के पुनर्स्थापन कार्य का विधिवत उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने जलाशय का घूम घूम कर निरीक्षण किया। इस दौरान जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को किए गए कार्यों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग द्वारा जल जीवन हरियाली से संबंधित लगाए गए स्टॉल और प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। वहीं जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने विभिन्न विभागों के द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी की जानकारी मुख्यमंत्री को दी। मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों को बैंकों से मिलने वाले ऋण से स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। प्रदर्शनी निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्नयन के तहत लगाए गए स्टॉल पहुंचे। इस दौरान डीएम ने बताया कि उन्नयन के तहत छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी यहां के छात्र अपने सूबे का नाम रोशन कर रहे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जल जीवन हरियाली के तहत वृक्षारोपण कार्य को देखा। वहीं मुख्यमंत्री के सुरक्षा की कमान रेंज डीआईजी सुजीत कुमार ने संभाल रखी थी। इस दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस अधिकारी तैनात थे। मुख्यमंत्री के साथ जिले के प्रभारी मंत्री रामसेवक सिंह, भू राजस्व मंत्री राम नारायण मंडल, जन संसाधन मंत्री संजय झा, मुख्यमंत्री के परामर्शी अंजनी कुमार सिंह, मुख्य सचिव दीपक कुमार, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, बांका सांसद गिरधारी यादव, अमरपुर विधायक जनार्दन मांझी, बांका एसपी अरविंद कुमार सहित काफी संख्या में जदयू नेता व अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को जल जीवन हरियाली अभियान को लेकर सीधे भागलपुर शाहकुंड प्रखंड के भुलनी गांव पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, मुख्य सचिव दीपक कुमार, सचिव चंचल कुमार, राज्यसभा सांसद कहकशा परवीन, सांसद अजय मंडल, विधायक लक्ष्मीकांत मंडल, सुबोध राय, मेयर सीमा शाह, जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह, भुलनी पंचायत के मुखिया अनिता देवी समेत कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी एक साथ मंच पर नजर आए। जागरूकता सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकार की उपलब्धि गिनाई और जल जीवन हरियाली अभियान को सफल बनाने का संकल्प दिलाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि साइकिल योजना, पोशाक योजना, शराबबंदी, 50% आरक्षण, 7 निश्चय योजना, छात्रवृत्ति योजना और बिहार पुलिस में महिलाओं की भागीदारी से बिहार विकास के पथ पर अग्रसर है। वहीं डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने जल जीवन हरियाली योजना को पर्यावरण संतुलन और आने वाली पीढ़ी के लिए सार्थक प्रयास बताया।
मन से जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को भागलपुर में जल्द से जल्द पूरा कर लेने की बात कही। ठंड के इस मौसम में जल जीवन हरियाली जागरूकता सम्मेलन में आप सबकी इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति के लिए आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोगों ने यह कार्यक्रम शुरू किया है, अभियान भी चला रहे हैं और पर्यावरण संतुलन के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए उस पर गंभीर विमर्श करके हम लोगों ने योजनाएं बनाई और मिशन मोड में उसको लागू कर रहे हैं। आपको तो पता है कि जब से आपने मौका दिया है हम लोगों को काम करने का, तो आप तब से जानते हैं दो बात। हमारा संकल्प है न्याय के साथ विकास का, और न्याय के साथ विकास का मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान, और खास करके जो हाशिए पर थे, किनारे थे, उन तबकों को मुख्य धारा से जोड़ना, चाहे वो महिलाएं हो, दलित महादलित आदिवासी समुदाय के लोग हों, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, सभी लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने विशेष पहल की है। जब हम लोगों ने पोशाक योजना की शुरुआत की, क्या दृश्य बदला, मिडिल स्कूल में लड़के लड़कियों की संख्या में बराबरी होने लगी, और उसके बाद हाई स्कूल के लिए हमने सोचा 9वें क्लास में पढ़ने वाली हर लड़की के लिए ये पोशाक योजना के अलावे साइकिल योजना की शुरुआत की। कौन सोचता था कि लड़कियां साइकिल चलाएंगी, पटना और भागलपुर में भी लड़की साइकिल चलाते हुए नहीं दिखती थी, लेकिन जब गांव-गांव से लड़की साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी, दृश्य बदल गया, लड़कियों के मन में आत्मविश्वास पैदा हुआ और उसके साथ साथ लोगों का सोच भी बदला। कहते हैं दो बदन एक जान कहते हैं, और हम लोग जो मिलकर के यहाँ बैठे हैं, सारे जात मजहब के लोग, हम जो मिलजुल करके यहाँ बैठे हैं, इसी को असली हिंदुस्तान कहते हैं, इसी को असली हिंदुस्तान कहते हैं। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोगों के बीच एक नए संकल्प के साथ आए हैं, पर्यावरण की रक्षा का, सुरक्षा का, जल जीवन हरियाली इसका नाम है। कार्यक्रम के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं, जिनका हम पूरे जिला भागलपुर की तरफ से स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में जल जीवन हरियाली को लेकर महत्वपूर्ण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत भागलपुर जिले में भी जोर शोर से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इतने महत्वपूर्ण विषय पर जन जागृति के प्रणेता माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार पुनः स्वागत है। आपने सुना होगा कि दुनिया का एक बहुत बड़ा अमीर आदमी है बिल गेट्स, जो माइक्रोसॉफ्ट के मालिक है, वो अभी पटना आए और उसके बाद दिल्ली में जा करके एक अखबार को इंटरव्यू दिए। उन्होंने कहा कि जो पर्यावरण में काम नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, जो अभियान उन्होंने शुरू किया है देश में, ये बात तो अमेरिका और इंग्लैंड में होता था, बिहार में तो, देश में तो, इंडिया में तो कभी सुने नहीं। ये पहले नेता है जो इस विषय में जल जीवन हरियाली पर्यावरण को लेकर के इतने बड़े स्केल पर लोगों के बीच में जन जागरण अभियान और सरकार का इतना बड़ा स्कीम लोगों के बीच में, ये अमेरिका के बिल गेट्स ने एक इंटरव्यू में ये सारी बातें कही है। और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर शाहकुंड के भुनली पंचायत में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी। ड्यूटी में तैनात अधिकारी लोगों को प्रवेश कार्ड दिखाने के बाद ही वीआईपी रूट से प्रवेश करने की अनुमति दे रहे थे। वहीं जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन शाह और नगर निगम की मेयर सीमा शाह को सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में तैनात जवानों ने रोक दिया। फिर क्या कुछ हुआ आप खुद देख लें। किसको रोक रहे भाई? अरे पूछे नहीं सब बोल दिए सब। आप क्या आप कहीं नहीं सब बोल जवाब नहीं है। आगे से आवाज के साथ। अरे रुके ना भाई, आप पहले बात कर लेते। बात कर लेते।
सीनियर साहब और डीएम साहब का। अरे भाई डीएम साहब से बात कीजिए ना, बात करेंगे हम काहे बात करेंगे भैया, आप बताइए ना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम को लेकर जिले भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त आदेश जारी कर अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिया था। वहीं मुख्यमंत्री के आगमन के पूर्व चप्पे चप्पे पर दंडाधिकारी के साथ काफी संख्या में सभी चौक चौराहों पर सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था की गई थी। शाहकुंड के भुनली पंचायत में प्रवेश करने के पूर्व सभी अनजान चेहरों पर पुलिस की पैनी नजर थी। कई स्थानों पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी। एसएसपी आशीष भारती के निर्देश पर सीटीएसपी सुशांत कुमार सरोज समेत सभी डीएसपी, यातायात प्रभारी और थाना अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र में गश्ती करते दिखे। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में सेंध न लगे, इसको लेकर बिहार पुलिस के अलावे सादे लिबास में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी सभा स्थल के इर्द गिर्द निगरानी कर रहे थे। मुख्यमंत्री की सुरक्षा को 16 सेक्टर में बांटा गया था और 100 से अधिक स्थानों पर पुलिस बल के साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी। सभा स्थल में जाने के पूर्व लोगों की तलाशी ली गई, साथ ही स्वान दस्ता, बम निरोधक और क्विक रिस्पॉन्स टीम सक्रिय नजर आया। वहीं जिला प्रशासन की ओर से पूरे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी भी कराई गई। इधर एसएसपी आशीष भारती सभी पुलिस पदाधिकारियों से पल पल की अपडेट ले रहे थे, साथ ही सतर्कता बरतने का निर्देश दे रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। जिलाधिकारी प्रणव कुमार और एसएसपी आशीष भारती ने संयुक्त आदेश जारी किया गया है, साथ ही सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। चप्पे चप्पे पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। भारी संख्या में पुलिस बल लगाया गया है ताकि जो मुख्यमंत्री है उसकी सुरक्षा में कहीं पर चूक ना हो। और इसको लेकर के 16 सेक्टर में जो शाहकुंड का भुल्ली पंचायत है उसको 16 सेक्टर में बांटा गया है। 16 सेक्टर में दंडाधिकारी की तैनाती की गई है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था की गई है और जो जवान है वो तैनात है, मुस्तैद है और किसी तरीके की वाहन की जो है तो भारी वाहनों की पार्किंग पर रोक लगा दी गई है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनाम उद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर। ठंड के दिनों में चोरी की घटनाएं काफी बढ़ गई है। बुधवार की देर रात अज्ञात चोरों ने पुलिसकर्मी के घर में लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची मधुसूदनपुर थाना पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। दरअसल नाथनगर रामपुर खुर्द पंचायत के पुरानी सराय स्थित त्रिवेणी शाह के बंद मकान से चोरों ने घर का दरवाजा तोड़कर सात भर सोना, 22 चांदी का सिक्का, 35,000 नगद और स्मार्ट टीवी लेकर फरार हो गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि रविवार को मकान मालिक त्रिवेणी शाह अरवल जिला के पुरखा थाने में कांस्टेबल पद पर तैनात पत्नी से मिलने गया था। गुरुवार की सुबह ग्रामीणों ने घर का दरवाजा टूटा देख त्रिवेणी शाह को घटना की सूचना दी। वहीं पुलिस कर्मियों ने जल्द चोर को गिरफ्तार कर लेने की बात कही है। जैसे कि अभी मेरा स्कूल जाने का टाइम था तो हम नाश्ता वास्ता बना के तैयार हो गए थे। यहाँ हमको बोले तुम तैयार होकर रहना, तुमको स्कूल छोड़ देंगे। तो फिर ये हमको फ़ोन करता है 10 मिनट में कि त्रिवेणी के घर में चोरी हो गया। हम बोले ये कैसे हो जाएगा, त्रिवेणी जब यहीं है तो बोला कि नहीं यहाँ नहीं है त्रिवेणी, सब पटना में है, सब जीव गया है पटना। हमको फोन गया भैया का तो बोला कि घर पे चोरी हो गया है। तो आने के बाद पता चला कि अभी पूरा गोदरेज का पूरा सामान, जितना लॉकर रहता है नीचे ऊपर सभी का, और उसमें जो जेवर रखा हुआ था, कैश रखा हुआ था, वो चीज़ चोरी हुआ है। और पूरा LED चोरी हुआ है, जितना बक्सा है पूरा कपड़ा इधर उधर का उलट पुलट, सात आठ भर जेवर और नगद पैसा था। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी हाँ, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। GD गोइंका पब्लिक स्कूल, CBSE कॉरिकुलम, नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, AC बस विथ GPS एंड CCTV, चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है GD गोइंका पब्लिक स्कूल, G6 बिशनपुर भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन। कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से संघर्ष करें और साहस रखें। सही समय और सही जगह पर इलाज करवाने से आप इस संघर्ष में हमेशा आगे रहेंगे। और इस संघर्ष में आपके साथ है भारत विख्यात हॉस्पिटल समूह नारायणा हेल्थ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9199446571। याद रहे 9199446571। नारायणा हेल्थ। शानदार बैंक्वेट हॉल में भव्य शादी का आनंद लीजिए अब अपने शहर भागलपुर में। शहर के हृदय स्थल तिलकामांझी चौक पर स्थित मान्यवर बैंक्वेट हॉल अब आपकी सेवा में सदैव तत्पर।
23,000 वर्ग फीट में फैला मान्यवर बैंक्वेट हर तरह की आधुनिक साज सज्जा एवं सेंट्रली एयर कंडीशन के साथ शादी रिसेप्शन पार्टी एवं अनेक आयोजनों में चार चांद लगाने को तैयार। शानदार वेन्यू एवं लाजवाब गेस्ट हाउस बिहार झारखंड का इकलौता स्मार्ट बैंक्वेट हॉल आपके शहर भागलपुर में अब आपके लिए। मान्यवर बैंक्वेट हॉल, खुशियां बांटें अपनों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को नए बने फुटओवर ब्रिज का उद्घाटन किया गया। फुटओवर ब्रिज का उद्घाटन रेलवे के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। 1.5 करोड़ की लागत से बना फुटओवर ब्रिज को यात्रियों के लिए गुरुवार से खोल दिया गया है। हालांकि फुटओवर ब्रिज पर लाइट की व्यवस्था अब तक नहीं की गई है, जिसके कारण रात्रि में यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान यात्रियों ने बताया कि फुटओवर ब्रिज के परिचालन के बाद दिव्यांगों को बहुत मदद मिलेगी। मौके पर रेलवे के कई अधिकारी मौजूद थे। सनौला प्रखंड में उप प्रमुख पद को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। वर्तमान उप प्रमुख गीता देवी के खिलाफ 10 पंचायत समिति सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने को लेकर प्रखंड प्रमुख को हस्ताक्षर युक्त आवेदन सौंपा है। पंचायत समिति सदस्यों ने कहा कि उप प्रमुख को क्षेत्र के विकास से कोई मतलब नहीं है। पंचायत समिति की राशि रहते हुए भी क्षेत्र में विकास कार्य बंद है। समिति के सदस्यों ने उप प्रमुख पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए अविलंब बैठक बुलाने की मांग की है। वहीं प्रमुख सुषमा देवी ने बताया कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए 10 पंचायत समिति सदस्यों ने लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। भागलपुर रेकाबगंज स्थित कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक कोचिंग संस्थान में गुरुवार को पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में 12वीं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए चलाए गए टेस्ट सीरीज में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को कोचिंग के निदेशक ललन कुमार ने चेक और उपहार देकर सम्मानित किया। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के ललन कुमार ने बताया कि टेस्ट सीरीज में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली अनामिका कुमारी, आंचल कुमारी एवं रीता कुमारी को संस्थान की ओर से पुरस्कार दिया गया, जबकि नीतीश कुमार, चितरंजन कुमार एवं गजेंद्र कुमार को चेक और अन्य उपहार दिया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं के बीच काफी खुशी देखी गई। वहीं निदेशक ललन कुमार ने कहा कि इस तरह के आयोजन से छात्र छात्राओं के बीच पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ती है। आज का कार्यक्रम कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में जो मेरे 19 और 20 सेशन के 12th एग्जामिनी स्टूडेंट हैं, उनका मैंने टेस्ट सीरीज लिया था और उस टेस्ट सीरीज में टॉप 20 SM कॉलेज ब्रांच और उर्दू बाजार ब्रांच के टॉप 20 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया है, जिसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को प्राइज देंगे चेक के द्वारा और रेस्ट जो स्टूडेंट हैं उनको डिफरेंट प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, जिससे बच्चों की हौसला बुलंद होंगे और मेरे ये सारे स्टूडेंट टॉप 40 स्टूडेंट फ्यूचर में भी पूरे शहर में उम्मीद है टॉप 40 में जरूर आ जाएंगे। पूर्ण शराबबंदी के बाद भी अवैध शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस जिला नवगछिया में रंगरा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 16 कार्टून में बंद 193 बोतल विदेशी शराब बरामद किया, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर शराब तस्कर भागने में सफल रहा। दरअसल बंगाल से शराब की बड़ी खेप लाए जाने की सूचना रंगरा पुलिस को मिली थी, जिसके बाद रंगरा थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने रंगरा चौक के समीप नाकेबंदी कर वाहनों की तलाशी शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस को देखते स्कॉर्पियो पर सवार शराब तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। वहीं पुलिस उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर शराब तस्करों का पता लगाने में जुट गई है। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ ट्रेड यूनियन के द्वारा जुगाड़ गाड़ी चालक के समर्थन में समाहरणालय परिसर में गुरुवार को धरना दिया गया। धरना पर बैठे लोगों ने बताया कि पुलिस प्रशासन जुगाड़ गाड़ी की धरपकड़ कर रही है एवं जुगाड़ गाड़ी के परिचालन को रोकने के लिए धमकी दे रही है। इस दौरान जुगाड़ गाड़ी चालकों ने बताया कि कोतवाली, मोजाइदपुर, इसाकचक, नाथनगर, ततारपुर आदि थानों की पुलिस जुगाड़ गाड़ी को पकड़कर जब्त कर रही है, जबकि जुगाड़ गाड़ी माल ढोने का सबसे सस्ता एवं सरल सुलभ साधन है। वहीं संस्था के जिला सचिव मुकेश मुक्त ने बताया कि जुगाड़ गाड़ी के परिचालन को रोकने हेतु पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाई जाए, यही मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। मौके पर संजय शाह, मिथिलेश कुमार सहित काफी संख्या में जुगाड़ गाड़ी चालक मौजूद थे। जल जीवन हरियाली अभियान को लेकर भागलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की और सभी अधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझकर कार्य करें और लाभुकों को योजनाओं का लाभ दिलाएं।
इसके पूर्व मुख्यमंत्री ने नए समीक्षा भवन का फीता काट कर उद्घाटन किया। बैठक में जिले के प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी, जल संसाधन मंत्री, सचिव डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, जिलाधिकारी प्रणव कुमार सहित जिले के सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। शाहकुंड के भुनली पंचायत में जल जीवन हरियाली जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। अभियान की सफलता और इसे आम लोगों से जोड़ने के लिए सूबे के मुखिया नीतीश कुमार स्वयं कार्यक्रम का हिस्सा बने। पेड़ पौधा लगाने, कुएं तालाब का जीर्णोद्धार और जगह जगह सोपता का निर्माण हो, इसके लिए मुख्यमंत्री ने शाहकुंड में कई योजनाओं का उद्घाटन किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। आइए हम आपको दिखाते हैं शाहकुंड में हजारों की संख्या में उमड़ी लोगों के बीच पर्यावरण संरक्षण संतुलन की यह तस्वीर। सीता की जन्मभूमि गांधी की कर्मभूमि सम्राट अशोक की शक्ति भूमि धर्म भूमि है मेरा बिहार। हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार। हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार। हाँ ये मेरा बिहार। अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गर्जल, हाँ अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गर्जल, 80 बरस में चढ़ल जवानी की भोजपुरिया चमकल, राजेंद्र जी देश के पहला राष्ट्रपति बन गईले, एही माटी के भिखारी ठाकुर जन जन मन में समैले, गिनत गिनत अंगुरी थकाई हो, गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, महापुरुष है हजार। ये है मेरा बिहार। हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार। हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार। हाँ ये मेरा बिहार। हो हो और अंत में चलते चलते नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भागलपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 136 योजनाओं का किया शिलान्यास। जल जीवन हरियाली अभियान को सफल बनाने के लिए आम लोगों से की अपील। शाहकुंड के भुनली पंचायत में मुख्यमंत्री ने जागरूकता सम्मेलन को किया संबोधित। सरकार की गिनाई उपलब्धि, मानव श्रृंखला को सफल बनाने का दिलाया संकल्प। मेयर और जिला परिषद अध्यक्ष को मंच पर जाने से सीएम सुरक्षा में लगे जवानों ने रोका, जमकर हुई नोकझोंक। मुख्यमंत्री के आगमन पर जिले भर में सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम, शहर से लेकर सभास्थल तक पुलिस जवान थे तैनात। और नाथनगर में पुलिसकर्मी के घर हुई भीषण चोरी, लाखों की संपत्ति लेकर चोर फरार, जांच में जुटी पुलिस। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।